जय हिंद किसान साथियों, जय हिंद नर्सरी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं क्रॉप कवर की। क्रॉप कवर यानी कि जो हमारी फसलें हैं उनको ढकने के लिए जो मटेरियल यूज लिया जाता है वो दो तरह का है। एक तो है प्लास्टिक, ये जो पन्नी है ये बिल्कुल पतली होती है, ये है प्लास्टिक। ये है प्रोपाइलीन और इसको नॉन वूमेन बोलते हैं। ये एक कपड़े की तरह होती है, आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये कपड़े की तरह होती है बिल्कुल। इसका उपयोग 10 डिग्री से टेम्परेचर जब ऊपर रहता है तब किया जाता है। अगर ठंड पड़ रही है तो हम प्लास्टिक शीट का उपयोग करेंगे। ये अगर सर्दी है, 10 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर है, सर्दी है, तो ये 25 GSM का उपयोग करेंगे। लेकिन अगर गर्मी है तो हम 15 GSM का उपयोग करेंगे। इसको ये जो कपड़े की तरह है, ये इस तरह का है, ये इसका ऐसा लगता है जैसे ये कपड़ा हो। और ये है क्रॉप कवर के दो फायदे सबसे अच्छे हैं। एक तो जर्मिनेशन अच्छा होता है, दूसरा पाले से बचाव होता है। अगर इसको आप गर्मी में यूज करें तो इसको लिए मैं थोड़ा बता देता हूँ। ये आपका जो बीज लगाते हैं, सोइंग करते हैं, उस समय हम इस तरह कवर कर देते हैं। एक तो तेज धूप से बचेगा, दूसरा हवा से बचेगा कि तेज गर्मी की जो हवा आती है उनसे भी इसका बचाव हो जाएगा। और सबसे मैंने पक्षियों से, जब हमारा जर्मिनेशन होता है तो उस समय पक्षी आकर उसको ऊपर से खा जाते हैं, जो छोटी दो चार पत्तियाँ ही आती उसको नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरा, उसमें इंसेक्ट जो आते हैं वो नहीं आ पाते, क्योंकि ये कवर होने के कारण इंसेक्ट नहीं आते और हमारी जो क्रॉप है वो काफ़ी अच्छी चलती है। किसान साथियों, सर्दी के लिए हम 25 से 30 माइक्रोन की ये प्लास्टिक का यूज़ लेते हैं। और ये आप देखें, ये इस तरह कवर किया जाता है। हमने क्या है कि फल वाले पौधे हैं, अमरूद और नींबू लगा रखे हैं, वो छोटे पौधे हैं अभी से, तो हम उनके कवर के लिए इसका उपयोग करते हैं। आपको मैं दिखाऊं, ये देखें, ये हमने कवर कर रखा है, इसके अंदर ये पौधा है, ये अमरूद का ये पौधा लगा हुआ है। यहाँ पर जो टेम्परेचर है बाहर के मुकाबले काफ़ी अच्छा है और कम से कम 5 से 7 डिग्री का इसमें अंतर हमेशा होता है। दूसरा, अगर पाला पड़ेगा तो वो ऊपर से पड़ता है तो इस पर डायरेक्ट पौधे के संपर्क में नहीं आएगा और उसका बचाव भी हो जाएगा। किसान साथियों, इसमें अगर टेम्परेचर 25 से ऊपर जाता है तो आप ये ध्यान रखें कि इसको दिन के समय अगर 25 से ऊपर जा रहा है तो आप हटा दें, और शाम को जब 10 से नीचे जाने लग जाए तो इसको कवर कर दें। दिसंबर जनवरी में अधिकतर जो जगह है 15 से नीचे टेम्परेचर रहता है दिन का भी, तो उस समय इसको कवर करके रखें, हटाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिन किसान साथियों ने अभी अभी प्लांटेशन की है और वो चाहते हैं कि ग्रोथ भी करते रहें और पाले से, मौसम से बचाव भी होता रहे, तो सबसे अच्छा है आप ये इसका एक क्रॉप कवर लगाएं। 25 से 30 माइक्रोन का इस तरह का ये रोल आता है। किसान साथियों, ये जो प्लास्टिक की पन्नी है ये हमने 8 फीट के साइज में मंगाई थी और ये 120 रुपये KG आई थी। ये 25 किलो का एक ये रोल था और इसमें ये काफ़ी अच्छा था। इसमें जब हम खोलते हैं इसको तो ये डबल निकलती है, इस तरह 4-4 फीट का ये दो होता है ज्वाइंट में, तो ये 8 फीट होता है, तो आप इस तरह मंगा सकते हैं। दूसरा, हमने ये सीट मंगाई थी, ये रोड है जो ये फाइबर की है, ये 140 रुपये किलो आई थी। इसमें कोई जंग वगैरह नहीं लगता, किसी भी तरह हम इसको मोड़ सकते हैं। ये 9 फीट में थी, 140 रुपये KG। ये देखें, इसको हम किसी भी तरह और कितना भी कम या ज़्यादा इतना ऐसे भी मोड़ सकते हैं, जितना चाहिए उतना हम इसको लगा सकते हैं। आप इसको आराम से सीधा लग जाता है, ये लगाने की कोई टेंशन नहीं। आप जो साइड में देख रहे हैं, इस तरह इसमें हम कवर करते हैं हर पौधे को, और इसके अंदर पाड़े से मैन बचेगा, पौधा ग्रोथ करता रहेगा। या आप एक एक सिंगल सिंगल पौधों को भी कवर कर सकते हैं, उसके लिए अलग से छोटे कवर आते हैं, वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो आप टेम्परेचर के अनुसार ही पन्नी का या वूमेन का उपयोग करें, वो ही सबसे बेस्ट रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। गला बैठा हुआ है इसलिए आवाज़ साफ नहीं आ रही है,
आप अपनी क्रॉप के अनुसार इनका चयन करें, लगाएं, सुरक्षित रखें अपनी फसल को। धन्यवाद। जय हिंद।